ये तस्वीरें फिलहाल आप कैथल की देखने लायक रहे हो। भाजपा की ओर से कैथल के जिला अध्यक्ष मनीष कठवाड़ कहीं ना कहीं भाजपा के प्रत्याशी लीला राम के पक्ष में वोट की अपील करते हुए, बाजार हो या फिर दुकानदार हो या फिर कोई आम आदमी हो, सप्ताह जोड़कर वोट की अपील करते हुए 5 अक्टूबर में भाजपा वोट देने की कहीं ना कहीं अपील करते हुए मनीष कठवाड़। अबे देख लो, चाहे को सब्जी बेचने वाला हो, रेडी वाला हो, आम आदमी तेरे हाथ जोड़ के जमा कहीं ना कहीं वोट की अपील करते हुए नजर आने लग रहे हैं। चुनाव के प्रचार के लिए निकल चुके हैं फिलहाल तो मनीष कठवाड़ लाइव सीधी तस्वीरें कहते देखने लग रहे हो। राम राम जी। अच्छा जी, आज जोड़ का डोर टू डोर अपील करने लग रहे हो लीला का पक्ष में, तो कैसा लग रहा है, कैसा माहौल दिख रहा है? देखिए, आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता टोलियों के रूप में हर घर हर दरवाजे तक जाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। और उसी कड़ी में आज मैं, मेरे मंडल अध्यक्ष भाई वीरेंद्र बत्रा जी, हमारे युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष आदित्य भारद्वाज जी और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता जो इस मोहल्ले के हैं, वो टोलियों के रूप में इस मोहल्ले के अंदर आज डोर टू डोर करके वोट मांगने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री लीला राम जी के पक्ष में वोट मांगने का हम काम कर रहे हैं। आदित्य सुरजेवाला जी कंपटीशन में कहीं ना कहीं अपने पिताजी के काम को लेकर, अपने दादा को काम को लेकर फील्ड में उतर रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं तो केवल उनसे यही निवेदन करूंगा, वो अपनी बात करें, अपने पिता की अपने दादा की बात ना करें, क्योंकि उम्मीदवार वो हैं, वो अपनी बात करें, हम अपने उम्मीदवार की बात कर रहे हैं। हमने अपने उम्मीदवार के परिवार के बारे में नहीं कहा कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि वो प्रत्याशी हैं, वो अपनी बात बताएं, हमारे प्रत्याशी के बारे में हम अपनी बात बता रहे हैं, तो हम नहीं मानते कि किसी प्रकार का कोई मुकाबला भी इस कैथल के अंदर है जी। कहीं ना कहीं और भी प्रत्याशी बते रहे थे, बीजेपी कैंडिडेट थे, मगर लीला राम को ही क्यों टिकट मिला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कई सर्वों के आधार पर और अन्य कई चीज़ों के आधार पर टिकट का वितरण करती है, और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक अनुशासित कार्यकर्ता है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने लीला राम जी का टिकट अनाउंस हुआ, सभी कार्यकर्ता मिलकर, चाहे वो टिकट मांगने वाले कार्यकर्ता थे, सभी कार्यकर्ता मिलकर उनके चुनाव में लग गए और सभी मिलकर उन्हें जितवाने का भी काम करेंगे। आम आदमी के पार्टी के कैंडिडेट है मास्टर सतवीर गोयल, वो भी फील्ड में उतरे, तो कैसा रुझान देखते हो? देखिए, सभी पार्टी जब चुनाव चला हुआ है तो सभी पार्टी के उम्मीदवार फील्ड में आएंगे जी। लेकिन मैं नहीं मानता कि किसी के ऊपर भी जनता विश्वास करेगी। जनता ने मन बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री लीला राम जी के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नायब सैनी जी पर विश्वास करके यहाँ की जनता वोट करने का काम करेगी और उन्हें जितवाने का काम करेगी। रणदीप जी हर एक बात में कहते हैं कि मेरी तो चलती नहीं, कहीं ना कहीं लीला राम पर कटाक्ष करते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, मैं कहूँगा कि रणदीप जी के पास कोई इतना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, इसलिए वो इन्हीं बातों के ऊपर ध्यान देते हैं। और मैं कहूँगा कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी में बात करें तो यहाँ किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है चलती, यहाँ सब की चलती है। यहाँ विधायक की भी चलती है, यहाँ संगठन की भी चलती है, यहाँ आम मतदाता की भी चलती है। ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि उन्होंने किसी एक व्यक्ति को इतना हैवी नहीं होने दिया, जिस प्रकार आपने देखा कि अन्य राज्यों में किस प्रकार की गुंडागर्दी होती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये कह दिया कि यहाँ आम व्यक्ति की भी चलेगी, आम जो मतदाता है उसकी भी चलेगी। तो भारतीय जनता पार्टी में सब की चलती है और सब अपने आराम से अपने एक राम राज के रूप में रहते हैं। विपक्ष कहता जिंदाबाद, फील्ड में उतरे तो पता लगा जनता विरोध करी, तो कैसा देख रहे हैं आप? आप देखिए, आप खुद हमारे साथ है, किस प्रकार लोग बुला बुला कर हमें वोट के लिए भी आश्वासन दे रहे हैं, चाय के लिए भी बोल रहे हैं, बैठने के लिए भी बोल रहे हैं, हमारा सम्मान भी कर रहे हैं। और वोट हम जब कहते हैं, हमसे पहले कह देते हैं, वोट तो भाई साहब हमारा पक्का है, हमारा मोदी जी के नाम पर हम वोट दे रहे हैं, हम नायब जी के नाम पर वोट दे रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट दे रहे हैं और हम हमारे विधायक रहे लीला राम जी के नाम पर वोट देने का काम कर रहे हैं। अनिल विज जी कहीं ना कहीं सीएम के दावेदारी ठोक रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता का हक है, वो जिम्मेवारी ठोक भी सकता है। मैं तो कहूँगा ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक आम परिवार का जो व्यक्ति है वो भी उच्च पदों पर पहुँच सकता है। उसके अनेक उदाहरण जो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, चाहे उनमें माननीय मोदी जी के रूप में हो, जिन्होंने एक आम परिवार से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफ़र तय किया, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है। हमारे मुख्यमंत्री का आप उदाहरण लीजिए कि नायब सैनी जी ने एक बिल्कुल आम परिवार, किसान परिवार, पिछड़े परिवार से मुख्यमंत्री तक का सफ़र अगर तय किया तो भारतीय जनता पार्टी में ही तय हो सकता है। और मैं अगर ज़्यादा बड़ा ना मैं उदाहरण लूँ, मैं खुद पर भी उदाहरण लेता हूँ कि एक गैर राजनीतिक परिवार के एक आम घर के बेटे को इस प्रकार जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी देकर जो भारतीय जनता पार्टी ने ये उदाहरण दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में आप मेहनत कर सकते हैं, आप किसी भी पद पर पहुंच सकते हैं, तो कोई भी जो हमारा नेता है वो किसी भी पद के बारे में कह सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है जी। धन्यवाद।